मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद दुगनी कर दी। वजीर दिफा का कहना है कि कैनेडियन शहरियों के तावुन से पाकिस्तान को 7.5 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों से निमटने में मदद मिलेगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के चंद हिस्सों में इस हफ्ते हल्की बर्फबारी का इम्कान। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इस थैंक्सगिविंग पर बर्फबारी का इम्कान है। आइंदा चंद रोज में सूबे में सर्दी दस्तक दे देगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के शहरी सूबाई हुकूमत से नाला। शहरियों ने अहम शोबे में हुकूमती कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया। 80% शहरियों ने सूबे में सेहत की देखभाल को गैर मयारी करार दे दिया। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। ईरानी वजीर दाखला, वजीर मवसलात समेत दीगर ईरानी शख्सियत पर पाबंदी। अमरीका के सदर जो बाइडन की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। FBI ने अमरीकी सदर के बेटे के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर लिए। 60% अमरीकी जो बाइडन की पॉलिसियों से नाराज हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा की वफाकी हुकूमत ने सैलाब की तबाहकारियों से बहाली के लिए पाकिस्तानी आवाम की मदद के लिए मिलने वाले अतियात की रकम को दुगना कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने सैलाब की तबाहकारियों से बहाली के लिए पाकिस्तानी आवाम की मदद के लिए मिलने वाले अतियात की रकम को दुगना कर दिया है। 3 हफ्ते कबल हुकूमत ने कैनेडियन शहरियों की तरफ से इंसानी हमदर्दी के इत्तेहाद को अतिया किए गए $3 मिलियन तक के बराबर करने का वादा किया था। पिछले हफ्ते बैन अल-अक़वामी तरक्की के वजीर हरजीत सज्जन ने कहा कि वो मजीद अवामी हिमायत हासिल करने की उम्मीद में इसे $5 मिलियन तक बढ़ा देंगे। जुमेरात को उन्होंने इसे बढ़ाकर $7.5 मिलियन कर दिया था। कैनेडा ने मुख्तलिफ फलाही इदारों के साथ मिलकर कैनेडा की 12 बड़ी इमदादी एजेंसियों के एक ग्रुप ह्यूमैनिटेरियन कोलेशन को डोनर मैचिंग फंड से अलहदा तौर पर पाकिस्तान की इमदाद के लिए मजीद $30 मिलियन का अतिया दिया है। सज्जन का कहना है कि इस बहरान से कैनेडा की इमदाद ने कबल अज़ वक्त वार्निंग सिस्टम बनाने में मदद की जिसने इस साल अमवात को रोका। सूबे के कुछ हिस्से इस हफ्ते मौसमी खिजा के निस्बत मौसम सरमा की तरह नज़र आएंगे। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सूबे के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबे के कुछ हिस्से इस हफ्ते मौसम खिजा के निस्बत मौसम सरमा की तरह नज़र आएंगे। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सूबे के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का इम्कान है। आर्कटिक से हवा का एक सिलसिला हफ्ते के आखिर में शुमाली ओंटारियो के कई इलाकों में दाखिल हो जाएगा जिससे थैंक्स गिविंग के तवील वीकेंड पर बर्फबारी होगी। आने वाला पैटर्न दर्जा हरारत को इतना कम कर देगा कि प्योमनिंग, ड्राइडन और टेम्स कैमिंग शोर्स जैसे इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। ताहम बर्फबारी की मकदार कम से कम होगी क्योंकि अब भी गर्म जमीन मुमकिन तौर पर किसी भी चीज़ को जमा होने से रोकेगी। माहरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज में सूबे में सर्दी दस्तक दे देगी। दूसरी जानिब इस वीकेंड पर टोरंटो का मौसम मामूल सर्द रहने का इम्कान है जबकि दर्जा हरारत कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के शहरियों की अक्सरियत इस बात पर कभी यकीन रखती है कि फोर्ट हुकूमत अहम मसाइल से बुरी तरह निमट रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के शहरियों की अक्सरियत इस बात पर कभी यकीन रखती है कि फोर्ट हुकूमत आला मसाइल से बुरी तरह निमट रही है। एक नए सर्वे से पता चलता है कि ओंटारियंस जबरदस्त यकीन रखते हैं कि डग फोर्ट हुकूमत आला मसाइल जैसे कि हाउसिंग, सेहत की देखभाल
और बुजुर्गों की देखभाल को खराब तरीके से हैंडल कर रही है। एंग्स रेड सर्वे इशारा करता है कि प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव के दूसरे मैंडेट के 4 माह बाद ऑन्टेरियन पार्टी की कारकर्दगी के बारे में अमूमन मनफी महसूस कर रहे हैं। तकरीबन 80% जवाब दहिंदगान ने कहा कि उनका ख्याल है कि ऑन्टेरियो सूबा सेहत की देखभाल के हवाले से बहुत कम या खराब काम कर रहा है। तकरीबन 80% जवाब दहिंदगान ने रिहायश की इस्तेआत के बारे में ऐसा ही महसूस किया, जबकि तकरीबन 77% ने कहा कि पीसी की कारकर्दगी सीनियर्स की देखभाल के साथ इंतहाई नाकिस दिखाई दे रही है। तारीफ सिर्फ 2 इकदाम पर तनकीद के बराबर है। COVID-19 का रद्द अमल और वफाकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात सर्वे में पाया गया। खास तौर पर उनमें से कोई भी मसला तरजीही पैमाने पर बुलंद नहीं होता। तकरीबन 49% जवाब दहिंदगान ने कहा कि हुकूमत अपने COVID-19 रद्द अमल के साथ बहुत अच्छा और अच्छा काम कर रही है, जबकि 44% जवाब दहिंदगान ने वफाकी हुकूमत के साथ डग फोर्ड के ताल्लुकात के बारे में भी यही कहा। एंग्स रेड इंस्टीट्यूट ने 19 से 22 सितंबर के दरमियान 1052 लोगों का ऑनलाइन सर्वे किया था। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर दाखिला, वजीर मवसलात, ईरानी फौज के कमांडर्स और दीगर अफराद पाबंदियों में शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर दाखिला, वजीर मवासलात, ईरानी फौज के कमांडर्स और दीगर अफराद पाबंदियों में शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरान में नौजवान खातून महसा अमीनी की मौत के खिलाफ 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों से निमटने की कोशिश तेज करने के लिए मुतअद्दिद शहरों की यूनिवर्सिटीज में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक ईरान पर नई पाबंदियां ईरान में एहतजाज को दबाने के लिए इंटरनेट की मअतली और पुरअमन मुजाहरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन पर लगाई गई हैं। पाबंदियों में शामिल अफराद के अमरीका में मौजूद असासे जब्त होंगे और अमरीकी फर्द या कंपनियां उन अफराद से कारोबार नहीं कर सकेंगे। वाज़े रहे कि ईरान में स्कार्फ पहनने के कानून के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 22 साला महसा अमीनी 16 सितंबर को पुलिस की हिरासत में दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई थी। ईरान में पुलिस की जेर हिरासत खातून की हलाकत के खिलाफ 20 रोज से मुजाहरे किए जा रहे हैं। 22 साला महसा अमीनी के अखलाकी पुलिस के हाथों हलाकत के बाद मुल्क भर में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है, जो कई बरसों बाद ईरान के मजहबी हुक्मरानों के लिए परेशान कुन सूरत हाल का बाइस बन गई है। इंसानी हकूक ग्रुप के मुताबिक ईरान में मुजाहरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में अब तक 133 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन को वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल एक और बड़ा धचका पहुंचा है। FBI ने इनके बेटे के खिलाफ टैक्स जुराइम के शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका के सदर जो बाइडन की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। आवाम में कम होती मकबूलियत के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन को वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल एक और बड़ा धचका पहुंचा है। FBI ने उनके बेटे के खिलाफ टैक्स जराइम के शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इस हवाले से हंटर बाइडन के वकील का कहना है कि उनके मौकल ने कोई कानून नहीं तोड़ा है, जबकि इस हवाले से वफाकी इदारों ने भी राब्ता नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हंटर बाइडन के खिलाफ FBI 2018 से तहकीकात कर रही थी, ताहम मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद करने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन रहनुमा ने दावा किया है कि हंटर बाइडन पर जल्द फर्द जुर्म आयद होगी, जबकि डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साबिक सदर ट्रंप ने लगाया था, ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। याद रहे कि इससे कबल यह खबर आई थी कि मिड टर्म इलेक्शन से कबल अमरीकी सदर बाइडन की मकबूलियत में कमी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% अमरीकी बाइडन की पॉलिसियों से नाराज हैं। वाज़े रहे कि साबिक सदर ट्रंप पहले ही हंटर बाइडन पर यूक्रेन में करप्शन का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।